तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज हम आए दोस्तों गुजरात सूरत के श्रीराम घंटी पत्थर स्टोर में, और यहाँ पर दोस्तों आपको आटा चक्की के लगती हर एक आइटम, हर एक स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ख़ास करके यहाँ के पत्थर दोस्तों, बड़े से बड़ी कंपनियों, अच्छे से अच्छी कंपनी के यहाँ से आपको स्टोन मिल जाएंगे, आटा चक्की पत्थर मिल जाएंगे। और 25 सालों से दोस्तों ये पीढ़ी चली आ रही है, और इंडिया में हर एक राज्य में दोस्तों इनके यहाँ से पत्थर जाते हैं। सिर्फ सूरत में या गुजरात में नहीं, इंडिया का कोई भी कोना हो, कोई भी राज्य हो दोस्तों, काफ़ी राज्यों में काफ़ी चक्की, आटा चक्की वाले यहाँ से पत्थर मंगाते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको अच्छी ब्रांड के ही पत्थर मिलेंगे, और 25 सालों से दोस्तों इनके ग्राहक इनसे जुड़े हुए विश्वास के साथ दोस्तों, आप यहाँ पर दोस्तों आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। जिस तरह 25 सालों से इनके ग्राहक इन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें आपको सही मिलेगी, एक तो क्वालिटी और फास्ट सर्विस दोस्तों। आप जितनी जल्दी मंगवाना चाहें उतनी फास्ट सर्विस के साथ मंगवा भी सकते हैं, और जिस तरह की दोस्तों अच्छे से अच्छी क्वालिटी मंगवाना चाहें तो यहाँ से आपको मिल जाएगी। इंडिया की सबसे टॉप 12 से 15 कंपनी के आटा चक्की के स्टोन दोस्तों आपको सिर्फ श्रीराम घंटी पत्थर स्टोर में ही मिलेंगे दोस्तों। एक साथ दोस्तों आपको यहीं पर देखने मिलेंगे, कहीं जगह पर भी पत्थर की रेंज इतनी आपको कहीं पर देखने नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं ओरिजिनल और अच्छा माल तो श्रीराम घंटी पत्थर स्टोर से ही मंगाएं। आज मैं आया हूँ सूरत में पत्थर लेने, 20 इंच का पत्थर लेने और एक 18 इंच का पत्थर लेने मेरे लिए। 20 इंच का पत्थर हमारा जो दोस्त है उनके लिए, और 18 इंच का पत्थर है जो लेने आया हूँ, मेरे लिए लेने आया हूँ। और मैं लेने वाला नहीं था, पर दोस्तों मुझे वो पत्थर पसंद आया इसलिए मैं वो पत्थर ले रहा हूँ 18 इंच का। यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं मिलते, पत्थर का समंदर है दोस्तों, पत्थर का समंदर है। कोई भी कितने भी इंच के पत्थर हो आपको मिल जाएंगे, और कौन से कंपनी का मैंने पत्थर लिया है वो भी मैं आपको बारीकी से और समझा के बताऊँगा। और बढ़िया कंपनी है दोस्तों, अभी तक की सबसे अच्छी कंपनी जो मैंने पत्थर लिए, जो 20 इंच का पत्थर लिया, 18 इंच का पत्थर लिया है, उसमें सबसे बढ़िया कंपनी का है। और काफ़ी सारी कंपनी के वैसे तो पत्थर रख रहे हैं, पर जो मैंने लिया है दोस्तों वो बेस्ट पत्थर है। काफ़ी सारी पत्थर की रेंज है दोस्तों, 10 इंच से लगा के 30 इंच तक, और बहुत सारी रेंज है दोस्तों। आपको वन बाय वन आपको बताऊंगा जिससे आपको दोस्तों आसानी हो। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। ये यहाँ के ओनर है जिग्नेश भाई, और इनसे हम बात करेंगे, और जो मैंने पत्थर लिया है, दो पत्थर की जोड़ी ली है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी कंपनी है वो पत्थर की वो भी आपको जिग्नेश भाई बताएंगे, उसकी क्या क्या खूबी है वो भी आपको जिग्नेश भाई बताएंगे। तो नमस्ते जिग्नेश भाई। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय सारनाथ, हर हर महादेव। हमारे पास तो इंडिया की टॉप लेवल की कंपनी है, यहाँ की सभी जगह इंडिया में अलग अलग चॉइस होती है। मेरे पास पुखराज, चोयल, सरोज, कोहिनूर, शिखर, साकेत, डेनिस सब कंपनी की एजेंसी है। लेकिन इंडिया के कोई भी कोने में कोई भी चक्की वाले भाई को क्या चाहिए, मान लीजिए उसको आटा एकदम मैदे जैसा, डेलकम पाउडर जैसा चाहिए, पर टाकी भी चलनी चाहिए, बिना भूसी वाला चाहिए, तो ये सब खासियत हमने एक पत्थर में ली है। मान लीजिए हमारे एक साकेत ब्रांड हमें बनाया है, 100% सिंथेटिक एम्बरी वाला पत्थर है, 100% ऊपर से नीचे तक एक जैसी एम्बरी आएगी। मान लीजिए कई पत्थर में क्या दिक्कत आती है, आगे काली एम्बरी होती है, पीछे व्हाइट एम्बरी होती है, इसलिए आधा पत्थर खलास होने तक वहाँ सफ़ेद पाउडर निकलना चालू हो जाते हैं। हमने एक ऐसी कंपनी मटेरियल से पत्थर बनवाया है साकेत ब्रांड के, ऊपर से नीचे तक एक जैसी एम्बरी होगी। इसमें आपको टेलकम पाउडर जैसा आटा मिलेगा, टाकी भी ज़्यादा चलेगी, और बिना भूसी वाला पत्थर आएगा। तो दोस्तों ये सही बात है, क्योंकि काफ़ी सारी बड़े से बड़ी कंपनी हमने देखी है, बहुत नामचीन कंपनी हम देखी है, कि हम जो एमरी स्टोन इस्तेमाल करते हैं उसमें उसमें कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर आधा पत्थर हो जाता है, उसके बाद एमरी पूरी हो जाती है और पाउडर निकलना बनता है, तो उससे क्या होता है पत्थर ख़राब हो जाता है और आटा जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिलता। तो ये जो पत्थर है दोस्तों, ये आपको पहले से लगा के आखिर तक आपको एमरी स्टोन मिलेगा, और मजबूत, और मजबूत भी इस तरह दोस्तों कि आपका जो आटा रफ भी नहीं आएगा, जिस तरह की क्वालिटी आपको या आपके ग्राहक को पसंद है उस तरह की क्वालिटी आएगी, और टकाई टकाई भी ज़्यादातर लंबी चलेगी दोस्तों। समझ लो कि अगर आपकी 15-20 दिन चल रही है तो महीना से 1.5 महीना भी आपकी टकाई चल सकती है, अगर आपकी अच्छी टकाई की है तो दोस्तों, और अच्छी टकाई भी नहीं की दोस्तों, नॉर्मल मीडियम भी की ना, तो भी महीना दिन तो आराम से चल जाएगा। क्योंकि जो मैं पत्थर लेने आया हूँ ना वो आपको बताता हूँ, साकेत कंपनी नाम है उसका दोस्तों, सर ने मुझे बताया। और साकेत कंपनी में दोस्तों बेस्ट क्वालिटी के पत्थर आते हैं, और मैं आपको पत्थर भी बताऊंगा और पत्थर की क्वालिटी भी बताऊंगा, और उसमें क्या क्या खास बात है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये 20 इंच का पत्थर है साकेत का,
और ये हमारे जो फ्रेंड है आरिफ भाई, उनके लिए हमने लिया है। और दूसरा पत्थर है दोस्तों साकिब का ही, साकिब कंपनी का ही 18 इंच का, वो मैंने लिया है दोस्तों, क्योंकि हम लेने एक ही पत्थर आए थे, पर मेरे को इसकी क्वालिटी देख के, इसका जो फिनिशिंग है वो देख के दोस्तों, और उसकी जो मजबूती है वो देख के मुझे ये पसंद आ गया पत्थर, तो मैंने भी ले लिया। और जो आरिफ भाई के लिए, उनके लिए भी हमने लिया है दोस्तों। तो ये पत्थर हमने लिए, और काफ़ी सारी कंपनी के सर पत्थर रख रहे हैं यहाँ पर, तो कौन कौन सी कंपनी के रख रहे हैं वो भी बताएंगे, और कितने इंच तक पत्थर रख रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सर हमारे सब्सक्राइबर को बताइए कि आप कितने कितने इंच के पत्थर आप यहाँ पर रख रहे हैं। वैसे मेरे पास 8 इंच से लेके 30 इंच तक पत्थर अवेलेबल रहते हैं। 8 इंच से 30 इंच तक, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 वो वर्टिकल होते हैं, बाकी मान लीजिए जनता का 14, 16, 18, 20, 24 वो सब जनता के पत्थर हमारे पास मिलते हैं सर। तो आपको बता दूं, आपको 30 इंच का जो हॉरिजेंटल चक्की आती है, बेठी घाट की चक्की आती है, काफ़ी लोग को नाम नहीं पता होगा, जो बेठी घाट की आडी चक्की आती है, तो उसमें आपको, उसमें भी पत्थर आपको मिल जाएगा। तो 24 और 30 इंच में भी पत्थर मिल जाएगा। ये 30 इंच का पत्थर है और इसमें 24 इंच का भी पत्थर है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, और इसमें 24 इंच का भी पत्थर है और 30 इंच का भी पत्थर है। तो आपको छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चक्की के पत्थर मिल जाएंगे, चाहे हॉरिजेंटल हो, जनता हो, या फिर वर्टिकुलर चक्की जाओ दोस्तों, हर तरह के आपको पत्थर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी आपको मैं वन बाय वन आपको सर को पूछेंगे कि कौन सी कंपनी का पत्थर रखते हैं, कितनी कंपनी का पत्थर रखते हैं। मुझे पसंद आया दोस्तों साकिब का, फिर भी आप जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप उस तरह कर सकते हो, पर साकिब कंपनी का दोस्तों बेस्ट पत्थर आता है, और मैंने इस्तेमाल किया उसके बाद आपको कह रहा हूँ। तो सर आप कौन कौन सी कंपनी के पत्थर यहाँ पर रखते हैं बताइए। सर मेरे पास पुखरा, जोयल, शिखर, सरोज, कोहिनूर, दानिश, चेतक, सेंचुरी, सब इंडिया की टॉप लेवल की कंपनी है, वो सब कंपनी मेरे पास है, क्योंकि हमारा काम ऑल इंडिया के लेवल का है। कोई भी पत्थर, मान लीजिए कोई भी स्टेट का आदमी हो, उसकी प्राइस अलग अलग होती है, तो सभी कंपनी का पत्थर हमारे पास अवेलेबल है। श्रीराम घटी पत्थर स्टोर में आपको सभी कंपनी का सभी पत्थर मिल जाएंगे सर, और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों कम से कम इन्होंने 12 से 15 नाम मेरे को बताए कंपनी के, और 15 कंपनी के साथ ये जुड़े हुए हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं, और उनके बड़े से बड़े कंपनी के साथ उनका दोस्तों रिलेशन है, और अच्छे से अच्छी कंपनी से पत्थर यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। तो भी नाम लिया है उन्होंने, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यहाँ से आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि वो भी बढ़िया आते हैं। पर मुझे पसंद आया दोस्तों, मैं मेरी बात कर रहा हूँ दोस्तों, या किसी को खराब भी नहीं कह रहा कि कौन सा पत्थर अच्छा है कौन सा खराब है, पर दोस्तों साकिब कंपनी का जो पत्थर मैंने इस्तेमाल किया है वो सबसे बेस्ट कंपनी है दोस्तों, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी ट्राई किया, उसके बाद ही दोस्तों ये पत्थर देखने के बाद ही आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट कंपनी का दोस्तों। और आगे भी आपको दोस्तों मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा जो इन्होंने नया कुछ लेके आया है दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों कभी छोटी छोटी परेशानी होती ना, वो छोटी छोटी परेशानी भी आपको आटा चक्की में नहीं होगी। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा, आपको एक सबूत के साथ मैं आपको बताऊँगा कि साकिब कंपनी का पत्थर किस तरह का है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सूरत में जितने भी चक्की वाले चला रहे हैं ना, ये सभी सर के यहाँ से पत्थर ले जाते हैं, और साकिब के ज़्यादातर पत्थर ले जाते हैं दोस्तों। तो उन्होंने वहाँ से भेजे कि आप देखिए कि आपने जो पत्थर भेजा है वो कितना बढ़िया चलता है और आखिर तक चलता है, वो आपको पूरी तरह मैं बताऊँगा। तो ले लीजिए, ये देखिए दोस्तों, ये पत्थर इस्तेमाल किया हुआ है, ये जहाँ तक दो पट्टी साथ में नहीं हो जाती तब तक चलता है, और इतनी मजबूती के साथ दोस्तों, पत्थर भी इतना मजबूत है, और इसका इतना पतला हो जाने के बाद भी जिस तरह का दोस्तों आटा इसमें निकलता है वो किसी पत्थर में नहीं निकलेगा। और ये देखो सबूत के साथ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये आखिर तक एमरी है दोस्तों, आखिर तक देखो ये पत्थर पूरा के पूरा पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी दोस्तों आखिर तक एमरी है। ये साकिब में आपको देखने मिलेगा, किसी और पत्थर में देखने नहीं मिलेगा। अगर इतना पत्थर दूसरा हो जाएगा तो उसमें पाउडर निकलने का चालू हो जाएगा, क्योंकि आधे पत्थर के बाद पाउडर ही होता है। तो ये साकिब वाले ने बड़ी ईमानदारी से अच्छी तरह इसको कंपनी ने इस पत्थर को बनाया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह का सबूत आपके सामने है। और एक पत्थर नहीं दोस्तों, काफ़ी सारे पत्थर इस तरह के हमें यहाँ के चक्की वालों ने भेजे, वो भी आपको मैं बताता हूँ। वो मैंने आपको ब्लैक एमरी बताई थी, अभी मैं आपको दोस्तों लाल एमरी का बताता हूँ। अभी लाल एमरी का बताओ, देखो ये आप देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं पत्थर, और आखिर तक दोस्तों ये एमरी आखिर तक आपको चलाने को मिलेगी और अच्छी तरह से चलेगी। ये लाल पत्थर है, वो ब्लैक पत्थर था, ये लाल पत्थर है, और ये भी देखो ब्लैक पत्थर है दोस्तों। इस तरह के दोस्तों आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी साकिब में, और काफ़ी सारी कंपनी के पत्थर रखते हैं, उन सभी में आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अगर आप दोस्तों एमरी पत्थर चला रहे हैं उसके लिए भी है, और अगर आप देसी पत्थर चला रहे हैं उनके लिए भी है।
ये जो साकिब का जो लाल पत्थर आता है दोस्तों, एक बार इस्तेमाल कर लो अगर देसी पत्थर वाले हो तो भी, क्योंकि जो साकिब का जो लाल पत्थर आता है दोस्तों, एकदम देसी पत्थर जैसा आटा निकलता है। ये मैं अनुभव के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई है उन्होंने लाल पत्थर डाला हुआ है, एमरी पत्थर साकिब का, तो उनके वहाँ दोस्तों जो देसी पत्थर पहले चलाते थे उसके जैसा ही आटा, बढ़िया खुम्मस वाला और नरम आटा, बारीक आटा, जो मैदे जैसा आटा बोलते हैं उस तरह का आटा उसमें निकलता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपका देसी पत्थर जैसा आटा निकले तो आप साकिब का लाल पत्थर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सही है बस। हाँ सर, ये देसी पत्थर की जगह बहुत बढ़िया चलता है, इसमें खाली घूम जाएगा तो पत्थर तो भी उसमें जलेगा नहीं आटा। देसी पत्थर में क्या सब लोग एमरी पत्थर डालने से डरते क्यों है, खाली घूम जाएगा तो आटा काला पड़ जाएगा, जल जाएगा, ये सब शिकायत एमरी पत्थर में। बदबू भी आने लगती है जली हुई। हाँ बस ये शिकायत इसमें लाल एमरी के पत्थर में नहीं आएगी। ये भी बात है दोस्तों, मैं आपको भरोसा के साथ कहता हूँ कि जो हम ब्लैक एमरी इस्तेमाल करते हैं दूसरी कंपनी की, उसमें क्या होता है कि हम कभी कभी प्रेस मारते तो जला हुआ जो दुर्गंध आती है वो आपको स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल ही मिठास वाली। जो आपका आटा पिसता, जो चक्की पिसेगी, पत्थर पिसेगी ना, तो एकदम खुशबू वाला जो आटा, जो देसी पत्थर में खुशबू आती है आटे में से, जो आटे की खुशबू आनी चाहिए वो एमरी पत्थर में अभी तक नहीं आ रही थी। तो आप साकिब का एक बार पत्थर इस्तेमाल कीजिए, आपका आटे में खुशबू भी आएगी और जो जली हुई जो बदबू आती वो नहीं आएगी, और मजबूत भी है पत्थर दोस्तों। बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप समझदार है दोस्तों, क्योंकि मैं इस्तेमाल किया हुआ और मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा तभी मैं आपको बताने का पसंद करता हूँ। और एक दूसरी खास बात दोस्तों, ये सर आपको बताएंगे कि इसमें क्या है। ये आपको चार फैन दिख रहे होंगे और उसमें ये कुछ नयापन लेके आए, जिससे क्या है कि जो अंदर हमारा आटा चक्की में जो भेज वल जाता है और जो जाम पत्थर होता है उसके ऊपर आटा जम जाता है, पानी जम जाता है, उसकी वजह से क्या होता है काफ़ी सारों के पत्थर फट जाते हैं बराबर। उसका एक रीज़न यही होता है कि अगर आपकी चक्की में आटा जम जाएगा, पत्थर ऊपर आटा जम जाएगा और भेज वलेगा, नमी बनेगी, तो आपका पत्थर फटने की शक्यता रहती है। तो आपको उससे बचने के लिए ये सर कुछ नया लेके आए, जिससे क्या होगा कि आपका आटा भी ऊपर पत्थर के ऊपर नहीं जमेगा और भेज भी नहीं बनेगा और पानी जो नमी बन जाती है वो भी आपका नहीं बनेगा। तो सर बताइए वन बाय वन करके कि आप इसमें क्या नयापन। पहले सर मैं पत्थर का ही बता दूं, पत्थर में हमने चार पंखे लगाए, क्योंकि मान लीजिए आपको पत्थर में अंदर बफारा होता है, चक्की में बफारा होता है, तो ये बफारा नहीं होगा, चार फैन होने के हिसाब से हवा ज़्यादा बनेगी और आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा। मान लीजिए दो पंखे हैं तो उससे ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। और दूसरी बात, हमने ये पत्थर में तीन रिंग डाली है, देखिए ये तीन रिंग है, एक दो तीन, एक आगे भी है, बीच में भी है और एक प्लेट में भी है, इसलिए क्या है पत्थर की मजबूती बढ़ती है। और तीसरी बात देखिए, हमने एक नया पंखा लाया है, ये इलाका का पंखा आपका लगता है ना, उसकी जगह एक सड़िए वाला पंखा लगेगा, देखिए सड़िए वाला पंखा है, ऐसे फिट होगा, सड़िए वाला पंखा ऐसे फिट होगा। मान लीजिए ऐसे आपने इलाका का पंखा निकाल कर यहाँ फिट कर दिया तो ये जाम पत्थर होगा ना, उसके ऊपर भी सड़िया घूमेगा, यानी जाम पत्थर के ऊपर जो आटा जमा होता है वो जमा नहीं होगा। आटा जमा होने के हिसाब से कई बार पत्थर फटने की शिकायत आती है, तो ये फटेगा भी नहीं, जो आप पत्थर जैसे जैसे पूरा होता जाएगा वैसे वैसे ये अंदर चला जाता है, यानी एडजस्टेबल है पंखा, आटा चक्की के अंदर जमा नहीं होगा। तो ये आपको भी फायदा है, आपके ग्राहक को भी फायदा है, क्योंकि ग्राहक को इस तरह फायदा होगा कि आटे की क्वालिटी भी अच्छी होगी और जो माल कम होता है, समझ लो कि 20 किलो पर 1 किलो कम हो जाता है, कई जगह पर आधा किलो कम हो जाता है, तो 20 किलो पर 200 या 300 ग्राम ही कम होगा, क्योंकि वो जलता है वो थोड़ा बहुत जलेगा वही कम होगा, और आटा अंदर जो समझ लो कि अंदर जमा नहीं होगा पत्थर ऊपर, तो आप उसको ग्राहक को फ़ायदा होगा। अगर आप पत्थर मंगवाना चाहें तो इस तरह का आपको सरिया भी मंगवा सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। और साकिब कंपनी में दोस्तों जो पत्थर आ रहे हैं उन्होंने स्पेशल ग्राहकों के लिए, आपके लिए, जो भी ये चक्की चला रहे हैं दोस्तों उन सब के लिए, एक दूसरा एक आसानी चक्की में हो उसके लिए भी दोस्तों उन्होंने कुछ नया किया है, जो फैन बोलते फैन उसके बारे में, तो सर आपको बताएंगे क्या उसमें नया किया। सर देखिए, ये 20 इंच का पत्थर है, साकिब कंपनी का पत्थर है, इसमें एला करके ऐसे चार पंखे तो आएंगे ही आएंगे, ऐसे चार पंखे तो हो गई, और उसके अलावा हमने एक कास्टिंग की प्लेट में पीछे कास्टिंग में ही पत्थर एक पंखा दिया, चार फैन और एक्स्ट्रा दिए, मान लीजिए पत्थर में एक्स्ट्रा दे दिए। हाँ पत्थर में सर एक्स्ट्रा दे दिए, मान लीजिए पत्थर घूमेगा ना तो हवा भी ज्यादा बनाएगा और आटा भी पीछे जमा नहीं होने देगा, कई बार क्या होता है कवर और पत्थर के बीच में आटा जमा हो जाता है। तो ये भी पंखा होने से हिसाब से आटा जमा नहीं होगा इससे दोस्तों काफी सारा आपको फायदा होगा। एक तो आपको समझ लो कि एक तो हम फैन लगाते हैं वो तो थोड़ा बहुत फायदा देता ही है, पर ये इन लोगों ने यहाँ पर पत्थर के अंदर ही दोस्तों
यहाँ पर पंखे के आकार के इनके इन्होंने रखा है, तो उससे क्या होगा कि आपके शुरू से लेकर आखिर तक हवा बनती रहेगी। अगर आपका पंखा समझ लो कि छोटा या बड़ा आपने डाला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादातर ये पंखा ही आपको काम देगा। क्योंकि पंखे कितने हो जाएंगे, एक आप नाखोगे आपकी जगह के हिसाब से वो भी हो जाएगा, वो चार पंखे ही है। तो पूरी तरह दोस्तों माल अंदर जो भेज वाला हो जाता है, नमी वाला हो जाता है, वो ये पत्थर होने ही नहीं देगा, उस तरह का काम करेगा। तो आपको ये भी फायदा है, और ये साकेत कंपनी का पत्थर है। और आपको दोस्तों एक पंखा और बताना चाहता हूँ मैं, ये इन्होंने पंखा बनाया है दोस्तों, कि काफ़ी सारे क्या होता है कि यहाँ फिट नहीं होता है यहाँ पर। तो अगर आपका नया पत्थर है दोस्तों और आप पंखा फिट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह पंखा फिट कर सकते हैं। क्योंकि खाँच इस तरह रखी है इन्होंने कि आपका जो समझ लो कि पीछे का भाग हो, इसके हिसाब से क्या है कि हमारा इतनी जगह खाली रहती है और आटा जमा हो जाता है, तो वो आपका आटा जमा नहीं होगा और आपका पूरी तरह दोस्तों जितना भी पीछे आटा जमा होता है वो निकल जाएगा। और अगर दोस्तों आपका पुराना पत्थर हो चुका है, बहुत घिस चुका है, तो आप इस तरह भी रख सकते हैं। तो ये 2-in-1 पंखा है दोस्तों, तो आप ये पत्थर के साथ ये भी मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। तो वैसे तो ये बहुत छोटी चीज़ है पर बड़ी काम की चीज़ है, और बड़ी दोस्तों काफ़ी सारे हम चक्की वालों को ये परेशानी कभी ना कभी होती है इसकी वजह से, और खास करके मुझे होती है, और मैं इस काम में थोड़ी आलस भी कर जाता हूँ, पर अभी आलस करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम दोस्तों पत्थर नया डाला होता है, तो साफ्टिन तो समझ लो कि दांत की साइड पूरे के पूरी आ जाती है, और जैसे जैसे ख़त्म हो जाता है पत्थर, तो क्या होता है कि साफ्टिन कम होने लगती है। तो अब क्या होता है कि हमें कभी पत्थर कम हो गया, साफ्टिन हमें पीछे खींचनी पड़ती है। तो अब ये आपको परेशानी नहीं होगी, आप क्या कर सकते हो, इस तरह का एक साफ्टिन का इतना 2.5 इंच का बटका आएगा, टुकड़ा आएगा, और यहाँ पर एक होल आएगा, आप देख सकते हो, आप यहाँ पर एक होल आएगा। तो इसके क्या कर सकते हैं आप वो साफ्टिन जो भी आपकी साफ्टिन है वहाँ पर उसके हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं, आपको पीछे खींचने की साफ्टिन ज़रूरत ही नहीं है, आपने यहाँ पर रख दिया और फिर यहाँ पर दाब बेरिंग आपको बढ़ा देने का है। तो आपका ये काम हो गया, आपको साफ्टिन समझ लो खोल के फिर पीछे खींचनी, वो आपको परेशानी नहीं होगी। और काफ़ी सारा क्या होता है कि खींचने के बाद भी दोस्तों सेटिंग बिगड़ जाता है, तो फिर से हमें रेती से सेटिंग में लेनी पड़ती है, तो ये परेशानी सब खत्म हो जाएगी, सीधा ये बटका लेने का और यहाँ पर रख देने का और आपका काम हो गया। और एक और चीज़ दोस्तों, ये वरम है जो हम साफ्टिन में फिट करते हैं, तो अनाज के लिए दोस्तों हमारा जो छोटा वरम आता है ये मसाले के लिए, जो भी आपका मसाला पीस रहे हो, माल नहीं खींच रहा, तो आप इस तरह का बड़ा वरम आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका माल आसानी से जल्दी से खींच जाए और अच्छी तरह से आपका मसाला पीस जाए दोस्तों। और एक और ख़ास बात दोस्तों, अगर आपके हल्दी पीस रहे हो तो हल्दी के लिए भी इन्होंने वरम बनाया दोस्तों इस तरह का, क्योंकि हल्दी का गाठे इतने बड़े होते हैं दोस्तों के वो अंदर खींचते नहीं है, तो ये वरम इस तरह का इन्होंने घिसी वाला बनाया है, खाँच वाला बनाया है, जिससे क्या होगा कि आपकी हल्दी जाते ही अंदर पीस जाएगी आपको, या आपकी चक्की को कोई भी परेशानी नहीं होगी, और अच्छी तरह का क्वालिटी का माल भी अच्छा तरह का निकलेगा। दोस्तों बातों में ये यहाँ पड़ा हुआ था, तो मैंने पूछा कि ये सर क्या है, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं लगा मैं कि चक्की में क्या काम आता होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया काम का है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या काम करता है, तो देखिएगा दोस्तों। क्योंकि अगर दोस्तों क्या होता है कि हम टकाई करते हैं, तो जो समझ लो कि जाम पत्थर है उसके बेरिंग में पत्थर की भूसी जाती है, कचरा जाता है, तो वो क्या बेरिंग जल्दी ख़त्म हो जाता है। घूमता पत्थर है उसे तो हम तकाई करके जो चलो फिरा के ना हम तकाई कर सकते हैं, पर जो जाम पत्थर है उसमें क्या होता है कि हमने ये घिसी कर ली, तो फिर वो घिसी करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, वो दूसरी घिसी करने के वहाँ जाना पड़ेगा। तो अभी इसमें टेंशन नहीं है, आपको इस छोटे सी चीज़ में दोस्तों काफ़ी सारे इसमें भी फायदे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सर नीचे कीजिए, ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये साफ्टिन के मार्क का इन्होंने बनाया है, बराबर है, ये यहाँ पर आपको पीछे डाल देने का है, बराबर, ये डल गया और पत्थर को ऐसे रख देने का है। अब रह गया ये पत्थर, और फायदा क्या हुआ कि आपका जो भूसी ना वो कुछ भी जा रहा है वो अंदर जाएगा नहीं, ऊपर ही रह जाएगा, वो भी आपको क्या सेफ्टी के हिसाब से आपको यहाँ पर कपड़ा रखने का है, बराबर है, अपने को रखने का है, अपने को सेफ्टी पे ख्याल रखने का, तो यहाँ पर कपड़ा रखने का, तो साफ बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी जाएगा वो भी नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है दोस्तों, हमें जो यहाँ किसी बनाने की होती है तो फिर यहाँ पर आना पड़ता है, इस तरह घूमना पड़ता है, तो अभी आपको क्या खबर है, आपको घूमने की जरूरत नहीं, पत्थर अपने आप ही घूमने लगेगा। देखो इस तरह, जिस तरह आपका जो घूमता पत्थर घूमता रहता है,
टकाई के टाइम उस तरह आपका ये जाम पत्थर भी घूमता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी एमरी पत्थर हम सेटिंग करते हैं तो रेत से करते हैं। तो रेत से करने से एक फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है कि रेत से करने से क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे कमज़ोर कोई पत्थर हो जाते हैं तो फट जाते हैं दोस्तों। तो वो फटने की शिकायत ना रहे, आपका पत्थर भी जल्दी से सेटिंग में आ जाए और थोड़ी देर में सेटिंग में आ जाएगा, उस तरह का आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों पाउडर है सेटिंग में लेने का, एमरी पत्थर सेटिंग में लेने का पाउडर है दोस्तों। ये कम से कम आधा किलो है। तो ये पाउडर दोस्तों आपको 250 ग्राम या आधा किलो आपको लेना है, 8 किलो से 10 किलो के अंदर आटे के अंदर आपको डालने का है। और वो आटा पीसने के बाद दोस्तों आपका 10 से 15 मिनट में आपका सेटिंग में आ जाएगी, और ज़्यादातर आपको दाब भी मारने की ज़रूरत नहीं, जिससे क्या होगा आपका पत्थर फटने की शक्यता रहती रेती में। तो आपको ये पाउडर नाखने के बाद ज़्यादा दाब भी नहीं मारना पड़ेगा, प्रेस भी नहीं मारना पड़ेगा, आपके पत्थर पर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा, और जल्दी से दोस्तों 10 से 15 मिनट में आपकी चक्की आखा 10 किलो आटे में ही आपका सेटिंग में आ जाएगी। ये 10 किलो आटे में आपको इतना डालने का है बराबर, उसके बाद आपको कुछ नहीं करने का, उसके बाद अपने आप ही दोस्तों आप सेटिंग में लोगे तो अपने आप ही आ जाएगी। ये इसका कोई पैसा नहीं लगता। जब भी आप पत्थर मंगवाएंगे तो आपको पत्थर के साथ में ये फ्री आएगा दोस्तों, आपको रेत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पत्थर के साथ में आपको इतना फ्री आएगा। आपका जो भी वेस्टेज आटा है, कोई भी बाजरे का हो गेहूँ का, उसमें आपको ये डाल देने का है बस, और ये चक्की को सेटिंग में पत्थर को सेटिंग में ले लेने का। और 20 इंच का और 18 इंच का जो हमने पत्थर की दो जोड़ी ली है उसका बिल बन रहा है, और ये हमने खरीद लिया है। तो अगले वीडियो में दोस्तों बिना रेत के किस तरह पत्थर को सेटिंग में लिया जाता है सिर्फ 10 से 15 मिनट में, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही जल्दी आने वाला है। और जो जो पंखे उन्होंने दिए वो किस तरह लगाने वो भी आपको उस वीडियो में बताएंगे। ये यहाँ के ओनर है और ये इनके बेटे मौलिक भाई। तो मौलिक भाई भी दोस्तों यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिनका नाम है बताइए आपके चैनल का नाम? श्रीराम घंटी पत्थर स्टोर। तो इनकी चैनल का नाम है श्रीराम घंटी पत्थर स्टोर। तो काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है। अगर आप दोस्तों मुझे देख रहे हैं तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई के जो वीडियो पर सपोर्ट भी जरूर दोस्तों कीजिएगा। तो भाई भी थोड़ा क्या है कि आप जैसे जितने भी चक्की वाले हैं दोस्तों, उन तक दोस्तों कोई भी अच्छी चीज़ है वो आसानी से पहुँचा सके दोस्तों, उनके साथ वो कॉन्टेक्ट कर सके। तो भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा, उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।